एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स असल में हम डिस जॉइंट इवेंट्स को भी कहते हैं जिनमें कुछ भी मुश्तरक ना हो ये बराबर था प्रॉबलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी ठीक है तो इसको हम कहते हैं जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी सेट ऑफ ऑफ इवेंट्स इन विच नथिंग इज कॉमन बिटवीन द टू इवेंट्स लाइक इफ वी टॉस अ कॉइन देर आर नो चांसेस ऑफ अकरिंग हेड एंड टेल एट द सेम टाइम देर इज ओनली वन चांस आइदर हेड विल लॉकड और टेल विल लॉकर्ड यानी या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है एक ही टाइम पे दोनों नहीं आ सकते इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एडिशन लॉ क्या है यानी जिसमें कुछ न कुछ कॉमन होगा इंटरसेक्शन होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसमें बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है इसको हम क्या कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का दूसरा नाम क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का दूसरा नाम है डिस ज्वाइंट इवेंट्स डिस ज्वाइंट इवेंट्स वाई द इवेंट्स ऑफ अ कॉइन टॉस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है इसका जवाब मैंने दे दिया है कि जो कॉइन टॉस करते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है बिकॉज देयर आर नो चांसेस ऑफ ऑकरिंग हेड एंड टेल एट द सेम टाइम हेड और टेल दोनों एक ही टाइम में नहीं आ सकते ना वो तो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जो हेड एंड टेल कॉइन टॉस होता है हमारे पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है जब कॉमन कुछ नहीं है तो ये क्या होती है ज़ीरो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए रेंज क्या होती है प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो होती है वन से लेकर ज़ीरो तक ज़ीरो से वन की रेंज में प्रोबेबिलिटी का हमारे पास ये रेंज होती है एक्साम्पल स्पेस एस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है मल्टीपिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कंडीशनल